हेलो एंड हाय टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मैगी से बनी एक बहुत अच्छी स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बच्चे से लेकर बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे, पर खास तौर से बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। इसका नाम है मैगी नूडल्स पैटीज, जो कि बहुत आसान भी है बनाना। तो आइए मैं दिखा देती हूँ आपको कि इसको हमें बनाना कैसे है। तो मैगी तो हम सभी बनाना जानते हैं किस तरह से बनाई जाती है, तो उसी तरीके से हमें मैगी बनानी होगी। पर आज हम सबसे पहले बनाएंगे वेजिटेबल मैगी। तो वेजिटेबल मैगी बनाने के लिए देखिए, हमने लिया है एक पैन, उसमें हम डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर एक मैगी से पैटी बना रही हूँ, सिर्फ एक मैगी का यूज़ करूँगी। तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं लगभग सवा कप के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, यानी कि एक कप, और उसके बाद में 1/4 कप। तो इतना पानी मैंने ऐड किया है। पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे और उसके बाद में हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक पैकेट मैगी लिया है मैंने। मैंने यहाँ पर जो मैदे से बना नूडल होता है वो लिया है। आप चाहें तो आटा मैगी का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी आप ये पैटी बना सकते हैं। और अगर आप मैगी से बनाना नहीं चाहते हैं तो जो चाउमीन वाले नूडल्स आते हैं उससे भी आप इस पैटी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए पानी बॉयल होने लगा है, अब आप देख सकते हैं इसमें हम नूडल्स ऐड कर देंगे। तो पानी की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि हमें नूडल को यानी कि मैगी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो इसके साथ ही मैं इसमें टेस्ट मेकर भी डाल दूंगी, तो जो मैगी का टेस्ट मेकर आता है वो भी आप इसमें ऐड कर दें। चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन टोटलिटी जैसे आप मैगी बनाते हैं उसी तरीके से आपको बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए मैगी हल्की सी गल चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट मेकर। तो ये देखिए टेस्ट मेकर ऐड कर रही हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, ताकि टेस्ट मेकर अच्छे से मैगी के साथ मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो अपनी पसंद की, अपने बच्चों की पसंद की आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च काट के भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च को अवॉइड करें। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को दो टुकड़ों में लंबाई में काट लिया था, उसके बाद में मैं इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट रही हूँ। तो इस तरह से आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सारी सब्जियां हमें इसमें कच्ची ऐड करनी है। तो ये देखिए सबसे पहले अनियन ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा अनियन मैंने ऐड किया, आप कह सकते हैं लगभग 2 टेबलस्पून के करीब अनियन ऐड किए हैं। इसके साथ ही 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें बॉइल्ड पी ऐड किए हैं, यानी कि बॉइल की हुई मटर ऐड कर दी है। 2 चम्मच आप इसमें कटी हुई गाजर ऐड कर दें, 2 चम्मच शिमला मिर्च ऐड कर दें, फ्रेंच बीन्स भी काट कर ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड करें तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, देखने में भी अच्छी लगेगी, साथ ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगा। तो मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें अच्छे से कुक करना है, जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता और मैगी हल्की सी पक नहीं जाती। तो मैगी को हमें लगभग 80 से 90% तक कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, एकदम मशी नहीं करना है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हम इसमें, यानी कि 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो नमक तो हमें डालना ही, क्योंकि हमने सब्जियां ऐड की हैं। अब मैगी को हम थोड़ा सा कुक करेंगे और उसके बाद में इसके पानी को हम पूरी तरीके से जला लेंगे। तो ये देखिए मैगी हमारी बनकर तैयार है, वेजिटेबल मैगी बन चुकी है। और इसके पानी को मैंने पूरी तरीके से सुखा लिया था, और ये देखिए इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, तो पानी नहीं रहना चाहिए मैगी में बिल्कुल भी। अब इसको हम ढक देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो 10 मिनट के लिए आप इसको रख दें, 10-15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और ये देखिए इस तरह से जब ठंडी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं एकदम अलग अलग हो जाएगी। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चाहें तो इसमें थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। तो ये देखिए मिक्स करेंगे हम। तो इन टोटलिटी हमें जो इसका डो है एक हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है, और हमें इसका मिक्सचर ऐसा चाहिए कि बाइंडिंग हो जाए अच्छे से और इसकी हम पैटी बना सकें। तो मैदा की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने एक मैगी बनाई थी, एक वेजिटेबल मैगी बनाकर तैयार की थी, और उसमें मैंने लगभग 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैदा यूज़ किया है। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हाथों पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से हम एक नींबू से थोड़ा सा ज़्यादा के करीब लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा डो लेंगे, इसका मिक्सचर उठाएंगे हाथों में और इस तरह से बॉल बना लें। उसके बाद में इसको पैट कर देंगे हम दूसरे हैंड की हेल्प से, और ये देखिए पैटीज की तैयार कर लेंगे। तो सारी पैटीज हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है इसको बनाना, और इसको आप कभी भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, तो बहुत पसंद करेंगे बच्चे। और ख़ास तौर से अगर आप इसको केचप के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे तो इसको आप ग्रीन चिली सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बच्चे तो खाएंगे ही, लेकिन बड़े भी इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारी पैटी आप बनाकर तैयार कर लें। थोड़ा सा अगर मटर निकल जाती है तो आप उसको बीच में आप लगा सकते हैं, तो देखने में बहुत अच्छी लगती है।
तो ये देखिए इस तरह से सारी पैटी आप बनाकर तैयार कर ले। आप चाहें तो पैटी पहले से बनाकर रख सकते हैं, पैटी बनाकर आप फ्रिज में रख दें और जब भी बच्चे आए आपके बाहर से खेलकर आप उनको बनाकर दे सकते हैं। तो यूजुअली मैगी फास्ट फूड में आती है और हम अक्सर अवॉइड करते हैं, पर चेंज के लिए कभी हम उनको दे सकते हैं इस तरह से बनाकर। तो ये देखिए सारी पैटी हमने बनाकर इसी तरीके से तैयार कर ली है। अब इसको हम पैन में कुक करेंगे। तो इसे हमें सेकना है, तवे पर हम इसे सेकेंगे। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक तवे का यूज़ किया और बहुत थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और तेल को मैंने गर्म कर लिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पर हम सेकेंगे हमारी पैटी। तो जितना बड़ा भी आपका तवा हो उस तरह से उस हिसाब से आप रख दें इसके ऊपर पैटी और दोनों साइड से हम इसको अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। तो आपने देखा बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मैगी, वेजिटेबल मैगी कई तरीके से हम बनाकर खाते हैं, चाइनीज़ मैगी भी बनती है। तो मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रेसिपी है। और इस तरह से अगर आप मैगी की पैटी भी बनाकर इंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और इस पैटी को भी आप थोड़ा सा बड़े साइज़ में बनाकर उसको ब्रेड के बीच में रखकर और उसके बाद में आप इसको सेकने के बाद में ब्रेड के बीच में रखकर सैंडविच बनाकर भी दे सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी लगती है। साथ में आप ब्रेड के अंदर थोड़ी सी केचप लगा दें, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो ये देखिए एक साइड से ही सिक चुकी है सारी पैटी, तो इसको हम पलट देंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड को सेकने के लिए भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक दो ड्रॉप ऑयल डाल दीजिए उसके बाद में हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम पलट कर भी सेक लेंगे। तो लगभग एक मिनट का टाइम लगेगा और दूसरी साइड से भी इसे कर बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो हमारी वेजिटेबल मैगी पैटी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप अपने हिसाब से चाहे तो इसमें कोई भी मसाला और ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, अंदर आप डाल दें, और चाहे तो ये बनने के बाद जिस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाया है उसके बाद में आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर जो मैगी मसाला आता है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी वेजिटेबल मैगी मसाला मैगी पैटी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इन्जॉय कीजिए इसको, अपने बच्चों को दीजिए, स्नैक के लिए बहुत अच्छा है ये। और कैसी लगी आपको मेरी ये इनोवेटिव रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।